अम्बेडकर नगर शिक्षा क्षेत्र भियाव के प्राथमिक विद्यालय मरहरा के सामने जल भराव हो जाने के कारण शिक्षकों का विद्यालय में जाना मुश्किल हो गया। विद्यालय के सामने खेल मैदान के बगल में कई वर्षों से बने शिक्षा के मंदिर में रास्ता ना होने के कारण विद्यालय में शिक्षकों और नौनिहाल छात्र छात्राओं के लिए हमेशा मुश्किलें बनी रहती हैं। विद्यालय के सामने उगी झाड़ियों में विषैले जानवर भी देखे गए। झाल झंकार होने के कारण विद्यालय में जाने से कतरा रहे नौनिहाल बच्चे। विदित हो कि कई वर्षों से इस विद्यालय में सफाई कर्मी ना आने के कारण प्राथमिक विद्यालय जंगल में तब्दील हो गए। वहीं पर प्रधानाध्यापक राम कुमार गुप्ता का कहना है कि महीने में एक दो बार ही सफाई कर्मी आते हैं, जिससे विद्यालय के अगल बगल गंदगी का अंबार लगा रहता है। आपका शुभ नाम क्या है? ओम प्रकाश गुप्ता, प्रधानाध्यापक। किस विद्यालय? प्रधानाध्यापक विद्यालय मरहरा। आपके विद्यालय के सामने तमाम जो है जल भराव की स्थिति है, इसमें आप क्या कहेंगे? बरसात जब भी होता है, चाहे ज्यादा या कम, तो स्थिति ये हो जाती है कि बच्चे भी इसमें आते। इस समय तो कोरोना का चल रहा है कंडीशन, इसलिए बच्चे तो नहीं आए, लेकिन स्टाफ जो है आने जाने में बहुत दिक्कत हो जाती है। और पैदल नहीं आ सकता आदमी, तो गाड़ी से कैसे आ सकता है? इसकी शिकायत आपने किसी से किया था? उच्च अधिकारी से? उच्च अधिकारी से हमने तो रास्ते के बारे में जो है एक बार BDO से भी बोला था और ग्राम प्रधान से भी बोला था कि इसको किसी तरह से निस्तारण कराइए। इन्होंने आश्वासन दिया कि हम रास्ता निकाल लिए हैं, साइड से निकलवाएंगे, आज तक कुछ हो नहीं पा रहा है। बच्चे भी जो विद्यालय चलता तो उसमें जान लीजिए गिर जाते हैं, बच्चे नहीं आ पाते विद्यालय तक। आपके विद्यालय में तमाम कूड़े का अंबार लगा हुआ है, यहाँ देख रहे हैं कि तमाम कूड़े करकट हैं, ढेर लगा है। क्या सफाई कर्मी आते हैं कि नहीं आते हैं? सफाई कर्मी वो अपने हिसाब से आता है, कभी कभी महीने में दो तीन बार आ जाता मुश्किल से, तो सफाई समुचित नहीं हो पाती है। तमाम जो है यहाँ विषैले जानवर है और सब जो है कभी कभी मिल जाते हैं, और रास्ते में भी जो तमाम झाड़ियाँ लगी रही हैं, इधर उधर देख ली सब उधर पड़ा हुआ है।